क्यूक ने एक और ओपन ईयर स्टीरियो निकाले हैं, मतलब OWS, ये TWS नहीं, ये TWS जैसे ही फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं बट ओपन ईयर बड्स आपको देखने मिल जाते हैं। एंड यार काफी अच्छा काम किया गया है, यहाँ पे आपको गेमिंग मिलती है, अच्छा माइक्रोफोन मिलता है, इन साथ साथ एक कमाल का म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए गाइस देखते हैं बुक्स एक्सपीरियंस कैसा आपको मिलता है। कंपेयरिंग टू ए TWS बुक्स, ये बुक्स काफी बड़ा है बिकॉज OWS है ही। आपकी फीचर आपको कुछ मिल जा रहे हैं बुक्स पे, इनसाइड द बुक्स। सबसे पहले आपकी ईयरफोन्स का केस मिल जाएगा, उसके बाद आपको पेपर वर्क मिलते हैं, एक टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलती है। एंड बात करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी शाइनी यहाँ पे केस रखा है, क्योंकि नहीं आपको ऊपर की तरफ शाइनी सेक्शन मिल जाएगा, उसके बीच में एक ग्रे कलर की लाइन देखने मिल जाती है जो कि सेपरेट कर रही है लीड सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन को। जो बॉटम सेक्शन है वो आपको मिलता है मैट फिनिश वाला, पीछे की तरफ चार्जिंग पॉइंट एंड एक LED इंडिकेटर है। एंड ओवरऑल जो प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी वो सॉलिड है, थोड़ा बड़ा दिखता जरूर है बट ये पॉकेट फ्रेंडली, आप इजिली इसको कैरी कर सकते हैं। नाउ आपके जो OWS हैं, ये फ्लेक्सिबल टाइटेनियम वायरिंग के साथ आते हैं, वो काफी फ्लेक्सिबल ये देखने के लिए मिल जाते हैं, एर्गोनॉमिक फिट है। एंड ओवरऑल बात करें ईयर फिटिंग की, आपको काफी कंफर्टेबल ईयर फिटिंग मिल जाती है विद IPX5 रेटिंग, तो मिनिमल स्प्लैश लेके माइल्ड स्प्लैश यहाँ पे कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। आप जिम जॉगिंग के टाइम पे इनको यूज कर सकते हैं, कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं, एंड थोड़ा टाइम लगेगा यूज होने में बट यार दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल, आपको ईयर पेन ईयर डिस्कम्फर्ट यहाँ पे शिकायत नहीं होगा बिकॉज दीज आर ओपन ईयरफोन्स। एंड अगर आप दूसरे ओपन ईयर्स पे जाते हैं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 3000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे कोई दूसरे ब्रांड के OWS लेने के लिए, बट जो कि आपको फ्रीडम मिलते हैं अंडर 2000 रुपीज, ये आपको और सस्ते बजट पे मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी वाइज लेटेस्ट 5.4 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। इन OWS को आप निकालेंगे केस से कनेक्ट करने के लिए, पेयरिंग स्पीड रियली काफी क्विक है, एंड जैसे आप इनको केस में वापस रखेंगे डिस्कनेक्ट करेंगे एंड रिकनेक्ट भी काफी क्विकली हो जाते हैं। बेटर एंड डिटेल म्यूजिक के लिए यहाँ पे 16mm के ऑडियो ड्राइवर्स यूज किए हैं विथ 360 स्पेशल ऑडियो। एंड जैसे OWS होते हैं ना भाई, आपको ड्राइवर साइज कम्पेयर टू TWS वायर्ड ईयरफोन्स एंड नेक बैंड बड़ा ही मिलता है बिकॉज ये आपके ईयर के बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से आपको और लाउड म्यूजिक चाहिए एंड म्यूजिक क्वालिटी सेम मेंटेन भी करनी होती है, आपको काफी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे सेपरेशन को लेके बात कर ली चाहे बेस को लेके बात कर ली। कई लोग पूछेंगे क्या ईयर के बाहर से भी सेम लेवल म्यूजिक आप इंजॉय कर सकते हैं, तो जी हाँ आंसर है येस, यू कैन डू दैट बिकॉज ड्राइवर साइज ओरल ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन ये काफी अच्छा यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड स्पेशली उन लोग को ये टारगेट करता है जो TWS नहीं लेना चाहते, वायर्ड ईयरफोन नहीं लेना चाहते, मतलब ईयर के अंदर वो प्रोडक्ट को नहीं पुट करना चाहते, तो OWS एक बेटर एंड प्रेफरेबल चॉइस है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे देखने मिलते हैं, आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोड्यूस म्यूजिक पे जा सकते हैं एंड इवन दो वॉइस असिस्टेंट को आप अवेक कर सकते हैं, तो सब फंक्शनैलिटी जो मेन होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है, कॉल एक्सेप्ट से लेकर डिक्लाइन तक एवरी फीचर एंड फंक्शन यू कैन यूज ओन दीज बर्ड्स। अगर आप गेमिंग करते हैं तो 40ms की लेटेंसी आप मिल जा रही है जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बूस्ट कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, लेटेंसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, रिच एक्सपीरियंस है, चाहे सेपरेशन को लेकर बात कर लो चाहे ओवरऑल लेटेंसी को लेकर बात कर लो, दोनों ही यहाँ पे काफी इंप्रेसिव है। मैं BGMI ड्राइव कर रहा था, फुटस्टेप से लेके ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफी मजेदार था। 500mAh का केस यहाँ पे मिलता है ओवरऑल एंड 50mAh की कैपेसिटी जो है आपको ईयरबड्स की मिलती है, जो कि ओवरऑल आपको 12 आवर तक का प्लेबैक दे सकती है सिंगल चार्जिंग एंड इंक्लूडिंग केस आप 60 आवर तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव नंबर हो जाता है। 12 आवर मतलब ये टेस्टेड होता है बट अगर आप अपने हिसाब से यूज करते हैं तो भी आपको 8 से 10 घंटा आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि यार हर मामले में काफी बढ़िया है। लगातार कोई भी अपने ईयरफोन्स को इतने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं यूज करता, इनकेस आप यूज करते हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Now moving to the last part of the video, it's a microphone and यहाँ पे quad microphone available है, जैसे आपको TWS पे मिलता है तो वैसा ही कुछ experience आपको मिलता है in terms of audio, in terms of microphone कोई भी compromise आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपको test करना है ये है result जब मैंने इनको test किया उधर में। ये है OWS चूंकि उसके latest and ये Liberty Buds है, open ear buds हैं basically, तो इनका microphone कुछ इस type का आपको मिलेगा अगर आप इनको यूज करते हैं तो कंडीशन में फॉर कॉलिंग पर्पस। एंड आई बिलीव लाइक कपल ऑफ कॉलिंग ने यूज किया इससे पहले टेस्ट करने से पहले एंड जो रिजल्ट है वो काफी सेटिस्फाइंग थे। ऑब्वियसली आपको इनसाइड काफी बेटर माइक्रोफोन मिलता है एंड इवन दो ऑडियो भी माइक फुल मिला के ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। सो वेल आपने माइक चेक कर लिया एंड ओवरऑल जो क्वालिटी थी माइक्रोफोन की वो भी यहाँ पे काफी बेटर आपको मिल जाती है, तो इनकेस आप कोई OWS लेने की सोच रहे हैं आपको 3000 रुपये स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको आधे रेट में मिलते हैं। 1600 रुपये इनका लॉन्चिंग प्राइस है, मतलब एडिशनल 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, अमेजोन पे आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक है वहां पे राइट। उसके बाद अगर आप बात करें अदर चीजों की,
तो इन टर्म्स ऑफ ये फिटिंग कंफर्टेबल ये ओडब्ल्यूएस आपको मिलते हैं, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी मजेदार है, साथ साथ माइक्रोफोन एंड बैटरी बैकअप का तो कहना ही क्या, ये इसका एक मेन यूएसपी आप बोल सकते हैं। सो कंफर्टेबली आप इसको इंटायर डे यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस लेट मी नो प्रोडक्ट कैसा लगा एंड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यू कैन ड्रॉप मी कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।